इनकी भी जिंदगी मस्त है। नल्लों की तरह ऐसे घूमते हैं, देख रहे हो? अब जब घूमना ही था तो घर पे जाके घूमते। आज के रास्ते कोई आपको बेवकूफ भी बनाने के लिए आपको कोई दूसरा रास्ता बता भी देगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज है संडे और संडे को आज हम जाने वाले हैं सोवाली बीच, क्योंकि वहां के बारे में सुना बहुत है, एक दो दफा गए भी हैं, लेकिन आपके लिए हम जा रहे हैं, आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं कि आप कभी भी सोवाली बीच जाएंगे तो ये वीडियो हमारी देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि फैमिली के साथ हम आ सकते हैं या नहीं। ये सारी चीज़ों को बताने के लिए इंशाल्लाह अभी हम निकलने वाले हैं, वीडियो को पूरा देखना, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। तो अब चलते हैं अपने सफ़र में। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम निकल चुके हैं, हमारा तकरीबन 25 किलोमीटर का सफ़र जो सूरत से है वो पूरा होने में अभी भी वक्त बाकी है, जो इसलिए कि हमारी जो धन्नो है वो पेट्रोल भराना चाहिए, क्योंकि वो कह रही है कि जब तक भराओगे नहीं तब तक हम आगे जाएंगे नहीं। हमने कहा ठीक है, तो राहिल भाई गए हैं पेट्रोल पुराने, और दूसरी बात है देखो आ भी गए, ये देखो आ भी गए, तो अभी इंशाल्लाह हम पेट्रोल पुराने के बाद यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि तकरीबन 13 किलोमीटर और है, तो इंशाल्लाह आफियत के साथ निकलेंगे और दुआओं का अहतमाम पूरा भी करना है, क्योंकि दुआ तो सबसे पहले हमें पढ़नी चाहिए। तो अब इंशाल्लाह यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि हमारी धन्नो ने अपनी टंकी भर ली। ओके, तो फिर आगे मिलते हैं। ये देख रहे हैं, ये है हमारे मजदूर भाई, ये देख, इनकी भी जिंदगी मस्त है। दो रोटी, एक छत और एक सोना, दूसरा कोई पंडा नहीं। और दूसरी बात यह है कि आप कभी भी जब सफ़र करें तो दो चार बंदों से, मुखलिस बंदों से जो इस लाइन के अंदर रास्तों को समझते हैं, उनसे ज़रूर पूछ लिया करें, क्योंकि पूछने में अपने अप्पा का नुकसान नहीं। अगर अल्लाह न करे ऐसे देहात में आप फैमिली के साथ हों और आपको अगर ऐसे रास्ता अलग बता दिया, कुछ हो जाए, चोरी भी कर सकते हैं, इज्जत के भी दांव लग सकते हैं, आप कहाँ जाएंगे? तो मुखलिस लोग से एक बार पूछ लेना, ये सबसे बेहतर तरीका है। और जैसे हम कश्मीर जाने वाले हैं तो हम लोग अभी से, तकरीबन जाना तो 2 महीने कब्ल बाकी हैं अभी, लेकिन अभी से हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि यार कैसे जाएंगे, वहाँ कैसे रुकेंगे, बहुत सी बातें हमारी टीम जो है वो भी डिस्कस कर रही है, इसीलिए कि भाई रास्ता है, सफ़र है, कुछ भी हो सकता है यार। तो फिर इंशाल्लाह अब यहाँ का जो सफ़र है वो कच्चा रोड, अब यहाँ से कच्चे बन रहे हैं, अब इंशाल्लाह वहीं बात होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम आ तो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है, और सुबह का टाइम है, क्योंकि सुबह के टाइम पे आना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ज़्यादा वो जो कचपच होती है ना वो अपने को नहीं चलती है, बहुत माजरत के साथ नहीं चलती है, माफ़ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो इंशाल्लाह अब यहाँ आपको हम कुदरत के कुछ नज़ारे दिखाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ खाने पीने का इंतज़ाम है, अल्हम्दुलिल्लाह है, कुछ हल्का फुल्का खा लो वो बेहतर है, क्योंकि जब पानी को देखते हैं ना, समुंदर को, तो बहुत कुछ बातें याद आती है। तो अभी हम नीचे उतरेंगे तो इंशाल्लाह वो भी बताएंगे। तो अब हम यहाँ से नीचे उतरने वाले, तो हम तो समुंदर के मज़े ले रहे हैं। पर राहिल भाई
पब्लिक नहीं दिख रही है मुझे। कहाँ पर है? किधर है? किधर है? पीछे देखो, पीछे। तो अब वो मुखलिस बंदे थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ पब्लिक आती है लेकिन अभी कुछ त्योहार भी चल रहे हैं हमारे हिंदू भाइयों के और क्रिकेट का भी जमाना है तो इसीलिए पब्लिक दोपहर तक नहीं आती है लेकिन शाम को पब्लिक ही पब्लिक रहती है। अब राहिल भाई एक सवाल है मेरा, क्या सवाली बीच पे आना चाहिए फैमिली के साथ या नहीं, आप क्या कहते हैं? सवाली बीच पे फैमिली अगर बड़ी हो तो आओ लेकिन कभी कपल के यहाँ नहीं आना चाहिए। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे तो हम अपने को अच्छी खासी सब डेवलपमेंट दिख रहा है थोड़ा बहुत जी, जी। यहाँ पे रहेगी कपल के लिए क्यों मना कर रहे हैं आप? क्योंकि रास्ता बहुत सुना था, तकरीबन कई किलोमीटर तक रास्ता सुना था। देखिए देखिए ये राहिल भाई ने अपने एक्सपीरियंस से और अपने दिमाग से ये चीज बताई है कि कपल ना है। मेरे दिमाग का इस्तेमाल करके और कुछ पता लगाना। हाँ यार, ये हमारे राहिल भाई एक बात कहते हैं कि आप यहाँ तक आते तो हैं लेकिन आप क्या आते हैं, नल्लों की तरह ऐसे घूमते हैं, देख रहे हो? ये देख रहे हो, अब जब घूमना ही था तो घर पे जाके घूमते, कम से कम इतना तो इसका फर्ज अदा करो कि पानी में ऐसे चलो। आहा, तो पानी का फिर मजा ही अपना है, पानी में जब पैर लगता है ना तो मजा आता है, थोड़ा एंजॉय करना सीखो। हम घूमते जरूर हैं लेकिन एंजॉय नहीं करते हैं, तो यहाँ आओ कहीं भी जाओ घूमने के लिए एंजॉय करने के लिए, तो लफ्ज एंजॉय को सिर्फ रखो मत, करो भी। हम एंजॉय करते नहीं हैं, हम पागलों की तरह मोबाइल और पबजी लेकर वहाँ बैठे रहते हैं। बात तो सही है, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे जोहर का टाइम हो चुका है तो इंशाल्लाह यहीं नमाज पढ़ के फिर इंशाल्लाह यहाँ से निकलेंगे। और हमारे राहिल भाई वजू करने गए, वो रहे हमारे राहिल भाई वजू कर रहे हैं क्योंकि समुंदर का पानी पाक, तो हम वजू भी कर रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसे अच्छे दोस्त होते हैं ना तो सफ़र भी अच्छा लगता है और मज़ा भी आता है कि हम अल्लाह का हुक्म भी नहीं इंशाल्लाह तोड़ रहे हैं। हाँ, तो फिर यहाँ नमाज़ पढ़ के इंशाल्लाह हम यहाँ से निकलेगा। अब यहाँ तो माशाल्लाह मैदान ही मैदान है तो यहाँ से हम नमाज़ पढ़ लेंगे, फिर कुछ हल्का फुल्का खाना खाने के बाद फिर यहाँ से रवाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जोहर की नमाज़ पढ़ ली गई है और लगी थी हल्की सी भूख, वैसे मैंने तो बाहर का खाना बंद कर दिया है लेकिन क्या करें, बहुत मज़ा आ रहा था, पर से चीज़ है यार मेरी फेवरेट। तो हम राहिल भाई ने तो हल्का फुल्का नाश्ता इंशाल्लाह यहाँ से करके फिर निकलेंगे। पर एक बात तो है यार, समुंदर दिखाऊँ आप लोगों को? दिखा दूँ, एक मिनट, देख रहे हैं आगे समुंदर है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो बस दिखाने का मकसद यही है कि लाइफ को एंजॉय करो और अपने दिमाग को फ्रेश करो, अपनी ज़िंदगी को अपने लिए वक्त दो, ठीक है? तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कुछ गलतियां कोताहियां होती हैं इंशाल्लाह वो भी ठीक कर लेंगे क्योंकि हमारे एडिटर साहब सब सही संभाल लेते हैं, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम।